हेलो फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब दवाशीष में। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं अपने पैन कार्ड के ऊपर कि आपके पास जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड एक्टिव है या फिर डीएक्टिवेट है। अगर डीएक्टिवेट है तो आप कैसे एक्टिव करेंगे, और इसके अलावा आपके पास जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड एक्टिव है या फिर डीएक्टिवेट है वो आप कहाँ से पता लगाएंगे। अगर फ्रेंड आपका जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो गया है तो वो पैन कार्ड किस लिए डीएक्टिवेट हुआ है, वो सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो फ्रेंड, आप अगर ये जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। फ्रेंड, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे करेंगे एक रिक्वेस्ट कि आप अगर हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए फ्रेंड, आप जो वीडियो हमारी देख रहे हैं उसके नीचे देखिए एक रेड कलर की सब्सक्राइब लिखा है। फ्रेंड, आप उस रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड, आप जैसे ही रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक अलार्म आइकन दिखाई देगा। आप उस अलार्म आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि हम जो नए वीडियो यूट्यूब में देंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो फ्रेंड, बिना समय गवाए आप हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड, आप अगर हमारे चैनल पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, आपको बता दूं कि इनकम टैक्स ऑफिस से जुलाई 2018 तक 11,44,211 पैन कार्ड रिजेक्ट हो गया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि सेम नाम से अगर कोई दो पैन कार्ड है या फिर सेम डेट ऑफ बर्थ से या फिर एक ही आदमी के पास दो पैन कार्ड है तो एक पैन कार्ड रिजेक्ट कर दिया है, या फिर फ्रेंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फिर किसी कारणवश दो पैन कार्ड बन गए हैं। और फ्रेंड, बाद में जब चेकिंग हुई है तो चेकिंग के बाद एक पैन कार्ड आपका रिजेक्ट कर दिया है। और फ्रेंड, यहाँ पे आपको जान लेना जरूरी है कि आपके पास अगर एक से ज़्यादा पैन कार्ड है तो आपको 10,000 रुपये तक पेनाल्टी भी लग सकता है एक से ज़्यादा पैन कार्ड रखने के लिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम आपको बताएंगे अभी आपके पास जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड डीएक्टिवेट है या फिर एक्टिव है वो किस प्रकार से चेक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ब्राउज़र में टाइप करना है आपको इनकम टैक्स फाइलिंग। ये लिख के आप जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके सामने ऐसा एक ऑप्शन दिखाई देगा। फ्रेंड, यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन डायरेक्ट इनकम टैक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट का ऑप्शन है, तो सिंपली आपको इसमें क्लिक करना है। आप जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे आपके सामने अगला एक पेज ओपन हो जाएगा। तो ये पेज ओपन होने के बाद नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको नो योर पैन, तो सिंपली आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है नो योर पैन और नीचे देखिए सार नेम, तो आपका सार नेम जो है वो यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद आपका मिडिल नेम दे दीजिए, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, उसके बाद आपका स्टेटस, तो स्टेटस में यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप इंडिविजुअल दे सकते हैं। उसके बाद आपका जेंडर दे दीजिए, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर। तो वो सारे डिटेल्स देने के बाद आपको नीचे सबमिट में क्लिक करना है। फ्रेंड, यहाँ पे आपको एक बात जान लेना जरूरी है कि यहाँ पे जो भी स्टार मार्क दे रखे वो आपको फिल करने ही करना है। अगर आप ये फिल नहीं करते तो ये सबमिट नहीं होगा। और फ्रेंड, सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज में आपको OTP देना पड़ेगा। फ्रेंड, आप जो मोबाइल नंबर वहाँ पे दिए थे उस मोबाइल पे देखिए एक OTP चला गया है। वो OTP यहाँ पे देने के बाद नीचे वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चले आए हैं। तो सबसे पहले हमारे पैन नंबर है, उसके बाद हमारे फर्स्ट नेम है, उसके बाद मिडिल नेम, सर नेम, उसके बाद देखिए इंडियन सिटीजन, उसके बाद देखिए ये कौन से डिस्ट्रिक्ट का है वो सारे यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद रिमार्क्स, रिमार्क्स में आप देख सकते हैं एक्टिव या डीएक्टिव। तो यहाँ पे फिलहाल हमारी जो पेन है वो एक्टिव है। अगर आपका डीएक्टिवेट है तो
आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, उसके लिए हम अगला वीडियो बना के आप लोगों को दे देंगे। तो उस डीएक्टिवेट पैन कार्ड को कैसे एक्टिव करते हैं, तो फ्रेंड आप इसे रिमार्क्स ऑप्शन पे देख सकते हैं अपने पैन कार्ड का एक्टिव है या फिर डीएक्टिवेट है, वो सारी जानकारी आप इस रिमार्क्स ऑप्शन पे आपको दिखाई देगा। और फ्रेंड यहाँ पे हम आपको और एक बात बता देते हैं कि कई बार देखा जाता है मल्टी रिकॉर्ड होता है, एक ही व्यक्ति के नाम से दो पैन कार्ड या फिर सेम नाम से दो पैन कार्ड होते हैं, तो यहाँ पे आपको और एक इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जैसे आप भरते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपके सामने और एक इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो सिंपली वो सारे डिटेल्स भरने के बाद आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डिटेल्स है पैन का वो डिटेल्स चला आएगा। तो फ्रेंड यही थी एक छोटी सी जानकारी कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या डीएक्टिवेट है, वो कैसे जान सकते हैं। तो फ्रेंड आशा करते हैं ये जानकारी और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फ्रेंड आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट है तो वो एक्टिव करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको अगला एक वीडियो बना के देंगे। वो वीडियो देख के आप कैसे डीएक्टिवेट पैन कार्ड को एक्टिव करते हैं वो जान पाएंगे। तो फ्रेंड थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।